मेसी फर्गुसन 10-35 डीआई महाशक्ति, क्या शानदार आवाज है। ये 2019 मॉडल ट्रैक्टर है। तो ये कौन सा मॉडल है? ये 2019 है। 19 पहले कौन सा चलाया? पहले सादा मैसी था जी। तो वो बढ़िया लगा या यो? ये बढ़िया जी, नई टेक्नोलॉजी है। तो उसमें क्या खास, मतलब क्या कमी थी? तेल ज़्यादा खाता था वो? डीजल का खर्चा ज़्यादा है उसका और लोड कम दे रहा है इससे। अच्छा, इसे बैठने का भी आराम है जैसे? हाँ, उसका बरगाड वैसे। लेकिन आपको तो बदलना पड़ेगा अब तो, ऊंचे पायदान का आगे कंपनी ने एक ऐसा टुकड़ा घेर दिया किसानों में कि अब बदल के फिर नया लो। भाई ऊंचे पायदान का जी, हमें तो यही पसंद है यही। हाँ जी, बढ़िया ट्रैक्टर है। तो कितने घंटे चला अभी ये? चला जी 133 घंटे। तो कितने का पड़ गया था आपकी? ये मेरा जी 5,10,000 रुपये का। कहाँ से? हापुड़ से? हापुड़ से। अच्छा, रेट तो सब जगह एक ही है, मेरठ में, हापुड़ में, सब जगह। तो किसान भाइयों, आज मैं हापुड़ के पास चितोली गांव में आया हुआ हूँ। अच्छा, पिछला हिस्सा इसका वो है भारी वाला, इससे क्या फ़र्क है? इससे फर्क दो तीन फर्क है जी। एक तो कड़ा पिनियन की शिकायत कम है इसमें, जैसे पहले उसमें थी। अच्छा, जो 41 में है वो इसमें नहीं है। और दूसरा, वेट थोड़ा ज़्यादा होने से स्लिप नहीं मार, स्लिप कम मार। बहुत बढ़िया। तो ये HP कितना है? ये 39 HP है जी, 39। तो रोटावेटर चलाओ? नहीं, रोटर 6 फुटा रोटर चला दे जी। चला ले आराम से? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपने इससे अलग और ट्रैक्टर नहीं रखे, और कंपनी है किसी की? और कंपनी का कोई ट्रैक्टर नहीं रखा मैसी के अलावा। तो मैसी ही चलाओगे? और नहीं चला सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, किसान ने पहला ट्रैक्टर रखा है मैसी सादा, अब ले लिया ने उन्होंने 10-35। बहुत शानदार आवाज़ है, गजब चीज़ है। करिए स्टार्ट, एक बार गियर निकालना पड़ेगा। इसमें एक अच्छी बात है, इसमें हंटिंग नहीं है, बहुत प्यारी आवाज़ है। 245 बल्कि हंटिंग करता है, हमारे पास 45 है वो हंटिंग करता है।